जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त बवाल हुआ है। कल भी बवाल देखने को मिला था और आज भी विधानसभा शुरू होते जबरदस्त बवाल है, क्योंकि 370 आर्टिकल 370 को लेकर रेजोल्यूशन जो रखा गया था एनसी की ओर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से, सत्ताधारी पक्ष की ओर से, उसका बीजेपी ने विरोध किया था और उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ था। और आज एक बार फिर से जैसे ही विधानसभा की शुरुआत हुई है, इस वक्त भी जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इस पूरे मामले में बीजेपी एकदम क्लियर है, बीजेपी के तमाम विधायक विरोध कर रहे हैं इस बिल का। और यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्शल्स भी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हो रही है यहां पर जो सत्ता पक्ष है और साथ ही साथ विपक्ष है उनके बीच में। और कल जैसे ही ये रेजोल्यूशन लाया गया था तो पन्नों को फाड़ भी दिया गया था और आज भी धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर मार्शल्स कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों को अलग किया जा सके, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है उसके बाद ये बिल्कुल साफ है कि हंगामा होता रहेगा विधानसभा में। बीजेपी किसी भी हालत में इस बिल के समर्थन या फिर इसको लेकर अपना विरोध जताती रहेगी। आर्टिकल 370 2019 में हटाया गया था और उसके बाद से लगातार जो कश्मीर की पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही है, खासतौर पर पीडीपी और एनसी, और कांग्रेस भी इसके खिलाफ है। इस वक्त तो कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। पीडीपी के महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, और उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से 370 को फिर से बहाल करने को लेकर एक प्रस्ताव रखा था जिसे पास किया गया क्योंकि उनके पास बहुमत है। लेकिन और बीजेपी का यह कहना है कि कल जब यह प्रस्ताव रखा गया था उसके बारे में विपक्ष को कोई जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि जब आप कोई सूची में कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं तो पहले दिन ही उसके बारे में जानकारी दी जाती है सदन को और साथ ही सदन के सदस्यों को। और साथ ही साथ स्पीकर ने भी, बीजेपी का आरोप है कि इसमें जो स्पीकर हैं वो भी सरकार का साथ दे रहे हैं, उन्हें भी इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। और यही वजह है कि कल इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था, कल कुछ देर के लिए जो कार्रवाई स्थगित की गई थी। हमारे साथ मंजूर मीर जुड़ गए हैं। मंजूर, आर्टिकल 370 को लेकर जिस तरह से कल प्रस्ताव पास हुआ और बीजेपी ने विरोध किया है, आज भी उसी तस्वीर को हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो नौबत धक्का मुक्की तक आ गई है। बिल्कुल, हमने सदन की कार्यवाही देखी तो बीजेपी ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो मंजूर से फिर बात करेंगे, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की, श्रीनगर की विधानसभा है। यहाँ पर हो क्या रहा है इसको समझ लीजिए। आपके दाएं तरफ आप देख रहे हैं जो विपक्ष यानी कि बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं, और आपके बाएं तरफ जो आपको देख रहे हैं वो सत्ता पक्ष यानी कि एनसी और कांग्रेस के हैं। और एक बार फिर सब मंजूर के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल दरअसल हुआ यह था कि कल विधानसभा में आर्टिकल 370 को बहाल करने को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था एनसी और सरकार की ओर से, जिसे पास करा दिया गया था। बीजेपी ने उसका विरोध किया था और बीजेपी ने साफ कहा था कि हाउस में अगर कोई प्रस्ताव लाना है तो उसकी जानकारी पहले दी जानी चाहिए, जो नहीं दी गई थी। और स्पीकर के ऊपर भी आरोप लगाए थे कि स्पीकर इसमें पक्ष ले रहे हैं सत्ताधारी दल के और सत्ता पक्ष का। हमारे साथ मंजूर जुड़े हुए हैं। मंजूर, आज भी उसी तरह की गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है आर्टिकल 370 को लेकर और बीजेपी पुरजोर विरोध कर रहा है इसका। मंजूर, चलिए एक बार फिर से मंजूर से बात करेंगे, लेकिन आप देखिए कि जो यहां पर 370 के हक में है, जो चाहते हैं कि इसको बहाल की जाए, वही डिमांड लेके पोस्टर यहां पर लहरा रहे हैं। और खासतौर पर जो आप बेंच देख रहे हैं विपक्ष का जो है, जहां पर बीजेपी के विधायक बैठे हुए, नेता प्रतिपक्ष यहां पर बैठे हैं बीजेपी के, उनके साथ देखिए बैनर को लेकर यहां पर छीनाझपटी शुरू हुई है। और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं कल से इसको लेकर मुखर हैं और उन्होंने साफ कहा है कि आर्टिकल 370 किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर में इसकी वापसी नहीं होगी। हालांकि इसका लागू होना बेहद मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट आप कह सकते हैं, क्योंकि एनसी लगातार जब चुनाव में उतरी थी तब भी उसने 370 को लेकर अपनी बात रखी थी कि वो चाहते हैं कि इसको वापस बहाल किया जाए। और शायद यही वजह है कि अपने जो वादे किए थे उसमें से एक ये वादा 370 वाला सरकार की ओर से, उमर अब्दुल्ला की ओर से सदन में रखा गया ताकि उनके वोटर्स को ये संदेश जाए कि सरकार ने जो कहा था वो कर रही है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 को लेकर जो कानून जो पास हुआ था संसद में वो बहुत मुश्किल है कि वापस इसको फिर से लागू किया जा सके। बहरहाल ये पूरा मामला इस वक्त राजनीतिक है,
अपने अपने वोटर्स को यहाँ पर साधने की कोशिश हो रही है। जैसे कि पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, हालांकि चुनाव में वो अलग अलग लड़े थे लेकिन इस पूरे मुद्दे पर 370 पे वो साथ हैं। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर इस वक्त सरकार के साथ ही है, तभी ये पास हुआ है। लेकिन ये जो मुद्दा है यहाँ पर थमने वाला नहीं है, ये मुद्दा और भी गर्माएगा और हो सकता है कि आने वाले जो चुनाव है चाहे वो महाराष्ट्र या झारखंड, वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको इसकी आवाज सुनाई देगी। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि इस वक्त 370 को लेकर सत्ता और विपक्ष में जबरदस्त घमासान है। आर्टिकल 370 को लेकर कल जो प्रस्ताव पास हुआ था, बीजेपी उसकी पुरजोर विरोध कर रहा है और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं कल इसी तरह से उनकी भी एक तरह से धक्का मुक्की हो गई थी। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा गया था उस पेपर को फाड़ दिया गया था और उन्होंने साफ कहा था कि सदन को पहले जानकारी होनी चाहिए थी, जो आपकी जो कार्रवाई होती है उसकी जानकारी होती है, सूचीबद्ध की जाती है। और एक बार फिर से हम रुक करते हैं मंजूर का। मंजूर, ये जो पूरा मुद्दा है बड़ा ही राजनीतिक मसला बन गया है और गर्मा गया है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो मुमकिन नहीं कि 370 लागू हो जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है और एनसी की कोशिश है कि अपने जो वोटर्स हैं उन तक ये संदेश दिया जाए कि हमने जो वादा किया उसको निभाया। बिल्कुल, हमने देखे जैसे ही आज चौथे दिन के सदन की कार्यवाही शुरू हुई, स्पीकर जैसे ही पहुंचे तो हम वेल में जो है इंजीनियर सीट के जो भाई है और एमएलए लैंग्वेज जो है वो वेल में आए और एक बैनर हाथ में लेकर उन्होंने स्टेटहुड रेस्टोरेशन की मांग की। हालांकि अपोजिशन के जो लेजिस्लेटिव के लीडर है सुनील शर्मा, वो उन्होंने स्पीकर को बताया कि जिस तरह से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सदन में आर्टिकल 370 रेजोल्यूशन को पास किया वो गैर कानूनी था, उसमें किसी भी तरह का जो है कोई प्रस्ताव था और बिना डिस्कस किए जो है उसको पास करवाया गया। हालांकि अभी वो बोल ही रहे थे कि इंजीनियर रशीद से जो पार्टी के जो एमएलए है खुर्शीद अहमद, वो वेल में आए, उन्होंने हंगामा शुरू किया, हालत यहाँ तक पहुंची थी बीजेपी और कुछ कार्यकर्ता के कुछ एमएलए के बीच में जो है धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। हालांकि पहले दिन से ही आर्टिकल 370 का मुद्दा जो है इस सेशन में देखने को मिला है। सबसे पहले पीडीपी ने आर्टिकल 370। मंजूर, हमारे साथ रविंद्र रैना जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर आपकी पार्टी की ओर से पुरजोर विरोध किया जा रहा है 370, जिसको लेकर आपका स्टैंड क्लियर है, लेकिन एनसी की ओर से अगर 370 लाया गया है क्योंकि टेक्निकली मुमकिन नहीं है कि 370 को वापस बहाली की जाए, तो फिर आखिरकार सरकार क्या मैसेज देना चाहती है इस प्रस्ताव के जरिए? जम्मू कश्मीर के अंदर जो नई सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने मिलकर यहां सरकार बनाई है, सरकार बनाते ही उन्होंने देशद्रोही एजेंडे पर काम करना शुरू किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार एक विवादास्पद एक प्रस्ताव को चोरी छिपे हड़बड़ाहट में पेश किया विधानसभा में और उसको तुरंत बिना किसी चर्चा के पास करके विधानसभा को समाप्त कर दिया उसकी कार्रवाई, ये दिखाता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश और साजिश कर रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, ये आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं, एक जो कि तर्कहीन है, जो तथ्यहीन है, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है। जब देश के पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को चर्चा के बाद लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के साथ डिबेट के साथ उस धारा को समाप्त कर दिया जिस धारा ने जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों बेगुनाह लोगों के कत्ल किए, जिस धारा 370 के अंदर जम्मू कश्मीर में बम बंदूक पिस्तौल गोलियां और ग्रेनेड आए, जिस धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में दो दो झंडे दो दो कानून थे, भारत का कानून सीधा लागू नहीं होता था, देश के तिरंगे झंडे का अपमान होता था, और मोदी साहब की सरकार ने माननीय अमित शाह साहब ने
जब 5 अगस्त 2019 को ऐसी राष्ट्र विरोधी धारा को समाप्त कर दिया जी, तो आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में देशद्रोही एजेंडे को हम लागू नहीं करने देंगे। जितनी साजिश कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर ली करनी है कर लें। एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव, क्या 1 लाख प्रस्ताव भी विधानसभा में चोरी छिपे अगर ये पास करते हैं तो भी धारा 370 आतंकवादी मानसिकता, अलगाववादी मानसिकता। अच्छा रविंद्र जी, एक चीज बताइए कि जिस तरह से आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं सदन के अंदर, एक तो है कि भाई सदन के अंदर कुछ ना कुछ मेंटेन करना चाहिए डेकोरम, वो हो नहीं पा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है क्योंकि सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है, क्या ये जनता भी जानना चाहती है क्या इसको वापस लाया जा सकता है जैसा एनसी या फिर कांग्रेस की ओर से इस प्रस्ताव को जब लाया गया तो दावे किए गए? देखिए धारा 370 उस पहले के जमाने में 1957 में उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने लाया था और ये देश के संविधान का उन्होंने हिस्सा बना दिया था। लेकिन देश के पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कौन से कानून को समाप्त करना, कौन से कानून में अमेंडमेंट लानी, कौन सा नया कानून लाना, ये देश के पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में है, ना कि किसी राज्य की असेंबली के पास ये अधिकार है कि वो देश का कानून बनाएगा या बदलेगा। ये एक कोशिश और साजिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर के दोबारा हालात खराब किए जाए, यहां लोगों को भड़काने की साजिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने की है। रही बात विधानसभा चलाने की, तो चोरी छिपे आप देश पर आघात करोगे, चोरी छिपे गैर संवैधानिक काम करोगे तो भारतीय जनता पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी, ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। लेकिन ये देशद्रोही एजेंडा हम लागू नहीं होने देंगे। रविंद्र जी, आप क्योंकि अब तो केंद्र में आ चुके हैं, राष्ट्रीय समिति इसमें आप आ चुके हैं मंच पर, तो इस बार क्या लगता है कि चुनाव होने जा रहे हैं झारखंड में, साथ ही साथ महाराष्ट्र में, ऐसे में वहां पर सीधा मुकाबला आपका कांग्रेस के साथ भी होगा कई सीटों पर, तो ये क्या लगता है कि टाइमिंग को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? पूरा देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में है उसके साथ मिलकर कैसे भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपने की कोशिश की है। ये कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, कांग्रेस पार्टी का हाथ आतंकवादियों और अलगाववादियों के साथ, ये कांग्रेस पार्टी ये देशद्रोहियों का एक टोला है जी। ये देश के साथ गद्दारी की है कश्मीर के अंदर, जिस प्रकार विधानसभा में राष्ट्रद्रोही एजेंडे को इन्होंने लाया है। ये वो एजेंडा है जिसकी डिमांड यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने की थी और आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। ठीक है रविंद्र जी, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं भी आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सुन रहे थे रविंद्र रैना जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर के और बीजेपी के बड़े नेता है घाटी से, उनका साफ कहना है कि यहां पर एनसी और कांग्रेस पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, 370 को लाना सिर्फ और सिर्फ देशद्रोह है, देश के खिलाफ एक रवैया है। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधा विधानसभा की है असेंबली जम्मू कश्मीर श्रीनगर की तस्वीर, जहां पर आज एक बार फिर से बड़ा बवाल देखने को मिला। और ये मसला क्या, एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए। दरअसल कल एक प्रस्ताव लाया गया था सत्ता पक्ष की ओर से, यानी कि सरकार की ओर से, जिसके मुखिया है उमर अब्दुल्ला, उनके ओर से एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें 370 को बहाल करने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ क्योंकि उनके पास बहुमत है। दूसरी तरफ बीजेपी थी जिसने इसका पुरजोर विरोध किया और बीजेपी का कहना था कि चोरे छुपे यानी कि बिना बताए लाया गया है, क्योंकि जो सदन का एजेंडा होता है, जो सूची होती है, एक दिन पहले ही सबके पास पहुंच जाता है जो सदन के सदस्य होते हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी सूचीबद्ध नहीं था इस प्रस्ताव को लेकर, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि जो वहां पर स्पीकर है उन्होंने भी इसमें साथ दिया है सत्ता पक्ष का, जबकि उनको निष्पक्ष होकर इसमें डिसीजन लेना चाहिए था।
और इसका विरोध करने के दौरान कल भी इतनी गहमागहमी हुई थी और कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। आज जब कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई तो जबरदस्त हमला यहां पर हुआ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप देखिए कि यहां पर धारा 370 को लेकर जो विधेयक रखा गया था उसमें विधायक आपस में भिड़ गए, क्योंकि एक विधायक थे जो हाथों में बैनर लिए पहुंच गए थे और उसमें लिखा था वी डिमांड द रिस्टोरेशन, यानी कि हम चाहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35 ए को एक बार फिर से यहां पर बहाल किया जाए। हालांकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट से 2019 में 5 अगस्त 2019 में इसको हटाया गया था और पार्लियामेंट ही इस कानून को वापस ला सकता है। लेकिन अगर इस वक्त पार्लियामेंट में यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास यानी कि जो विपक्ष है या इंडी गठबंधन है जिनके पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में कैसे पॉसिबल हो सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर इसको सदन में लाया गया है तो उसका मकसद क्या है, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए हैं, कश्मीर में माहौल बदल रहा है, लोग यहां पर एक विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह के प्रस्ताव को लाकर क्या वजह है कि आखिरकार सरकार एक क्या मैसेज देना चाहती है, जहां पर कि दो धड़ों में बढ़ जाए पूरा का पूरा राज्य। हमारे साथ मंजूर जुड़े हुए हैं। मंजूर, अभी फिलहाल क्या हालात हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि मार्शल्स ने कुछ को हटाया लोगों को जबरदस्ती, और दूसरी बात यह है कि आखिरकार इस प्रस्ताव को लाने का मकसद क्या है सरकार का। देखिये, हमें 15 मिनट के लिए जो है सदन को अडजर्न किया गया था, लेकिन अडजर्न करने के बाद फिर एक बार जो है कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन बीजेपी जो है लगातार ये मांग कर रही है कि जिस तरह से कल आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेट के प्रस्ताव को लाया गया है वो गैर कानूनी है, वो कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये सबसे बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में ये बात जो है नंबर वन पे थी कि जैसे ही कल सदन की पहला सत्र होगा तो उसमें वो आर्टिकल 370 के रेजोल्यूशन को लाएंगे और उसे पास करवाएंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पूरे नंबर से बहुमत है, तो ये बहुमत से जो है कल स्पीकर ने सदन में पास कर दिया, जिस पर बीजेपी ने जो है काफी अपोज किया। लगातार उन्होंने कल भी हंगामा किया और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी ने जो है एक बार फिर उस पर बोलना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच एमएलए जो लंगेट के हैं, इंजीनियर रशीद के पार्टी के खुर्शीद अहमद, उन्होंने वेल में आकर जो है एक बैनर दिखाया जिसमें उन्होंने ये लिखा गया था कि स्टेट फूड और आर्टिकल 370 को जो है जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए, जिसके बाद में है बीजेपी और कुछ एमएलए के बीच में हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, मार्शल को आना पड़ा और उनको जो है अलग अलग करना पड़ा, जिसके बाद एडजर्न 15 मिनट के लिए, लेकिन फिर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मंजूर, यहाँ खुर्शीद अहमद की जो एमएलए है और उनके हाथ में वो बैनर था जिसके बाद ये पूरा इतना बड़ा बवाल हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए।